क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका जो सर है वो भरा हुआ है और दर्द कर रहा है, खासकर आपकी नाक, गाल और माथे के आसपास आपको इस तरह का भारीपन यदि फील होता है तो दोस्तों हो सकता है कि आपको साइनसाइटिस हो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील पाटीदार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साइनसाइटिस क्या होता है, इसके कारणों के बारे में जानेंगे, इसके लक्षणों को जानेंगे, साथ साथ इसके होम्योपैथिक इलाज में यूज़ की जाने वाली दो बेस्ट पेटेंट मेडिसिन कौन सी हैं। आज हम इनका कंपैरिजन भी देखेंगे कि कौन सी मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इन दवाइयों के थ्रू आप अपने एक्यूट और क्रॉनिक साइनसाइटिस को ठीक कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। इस वीडियो में मैं आपसे अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि जिन दवाइयों से मुझे बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम समझे साइनसाइटिस क्या होता है, आइए पहले आपको साइनस के बारे में बताता हूँ। साइनस आपकी खोपड़ी में नाक के रास्ते के आसपास खाली जगह होती है। ये आपको सांस लेने वाली जो हवा है उसको गर्म और नम बनाने में मदद करते हैं। ये पतले टिश्यूज के साथ जुड़े होते हैं जो म्यूकस बनाते हैं और उन्हें साफ रखते हैं। हमें साइनसाइटिस तब होता है जब ये साइनस स्थान जो है वो म्यूकस और कीटाणुओं से भर जाते हैं। ये तब होता है जब साइनस टिश्यू सर्दी, एलर्जी या इन्फेक्शन से बढ़कर सूज जाते हैं, तो ये इसके एंट्रेंस को बंद कर देते हैं, म्यूकस अंदर फंसा लेते हैं, म्यूकस में संक्रमित हो जाता है, जिसके कारण आपको फिर दबाव और दर्द महसूस होते हैं और सिम्टम्स आते हैं। अब हम समझते हैं कि आप कैसे पहचानें कि आपको साइनस इनमें सूजन आ रही है या फिर आपको जो साइनसाइटिस है वो ट्रिगर कर रहा है। तो आपको क्या हो सकता है कि पर्टिकुलर इस जोन में नाक के आसपास और फोरहेड में दोस्तों आपको पेन हो सकता है, और ये ज़रूरी नहीं कि पेन बहुत तेज हो, लेकिन एक डल टाइप का पेन आपको बना रह सकता है, एक भारीपन आपको महसूस हो सकता है। जब आप चलते हैं या आप अपना ऐसा सर झुकाते हैं तब आपको एक जर्क सा फील होता है और आपको ऐसा लगता है कि कुछ इसमें भरा हुआ है, एक भारीपन सा आपको महसूस होता है। आए दिन आपको सर में दर्द की शिकायत होने लगती है, आपकी नाक बंद रह सकती है, म्यूकस आपको ज़्यादा बनने लगता है, आपको पोस्ट नेजल ड्रिप की भी शिकायत रहने लगती है, जैसे कि गले में बलगम ड्रॉप कर रहा है ऐसा आपको सेंसेशन होता है। बेसिकली साइनसाइटिस मेजोरिटी केसेस में देखा गया कि 90% केसेस में एलर्जिक राइनाइटिस के साथ ही होता है, और कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको फ्लू हो गया, आपको कोल्ड हो गया, इसके बाद म्यूकस जाके आपके साइनसेस में भर जाता है, तो उस कोल्ड और उस फ्लू के बाद भी साइनसाइटिस स्टार्ट हो सकता है। तो अगर आपको फेस में भारीपन लग रहा है, सर में दर्द आए दिन आपको बना हुआ है, और साथ में यदि आप एक एलर्जिक पेशेंट हैं और या फिर आपको रिसेंटली कफ कोल्ड हुआ है, तो आपको समझना चाहिए कि आपके साइनस में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, आपकी साइनस में सूजन आ रही है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको जल्दी से उन दो बेस्ट मेडिसिन के बारे में बता देता हूँ जिनके कि हमें साइनसाइटिस में शानदार रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। आप इनमें से कोई भी एक दवा का सिलेक्शन कर सकते हैं, दोनों ही दवाइयाँ आपको एक साथ नहीं लेनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमारी पहली दवा है डॉक्टर रेगवेक की R49 ड्रॉप। दोस्तों ये एक होम्योपैथी की एक पेटेंट मेडिसिन होती है। कंपोजिशन की बात करें तो R49 के अंदर बहुत सारी मेडिसिन डली हुई हैं। सबसे पहले इसमें मिलाई गई है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम जो है वो कटारल कंडीशन के लिए दी जाती है। अगर आपको नाक से पतला पानी जैसा डिस्चार्ज हो रहा है, एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स रहते हैं, छींकें आती हैं, और जिन लोगों को कफ कोल्ड बार बार हो जाने की शिकायत होती है, तो ऐसे में आपको दवाई दी जाती है आर्सेनिक, जो कि R49 के अंदर डली हुई है। इसके बाद इसमें डली हुई है कैल्केरिया कार्ब। अगर आपकी नाक के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया है और म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आ गई है, या आप लोगों के कुछ ग्लैंड्स होते हैं ये इनमें सूजन आ गई है, साथ ही आप लोगों को नेजल पॉलिप हो रहे हैं, तो आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि R49 के अंदर मिली हुई है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है सिनावेरिस। तो अगर आप लोगों को साइनसाइटिस हुआ है और साथ ही साथ आप लोगों को साइनसाइटिस की वजह से जो फोरहेड है इसमें दर्द रहता है, नाक की जड़ में भारीपन सा महसूस होता है, एक दबाव सा महसूस होता है, पुराने सर्दी जुकाम में गूंद की तरह चिपचिपा लेसदार म्यूकस इकट्ठा होने लगा है, तो क्योंकि नाक के भीतर से आपके गले की तरफ भी जाता है, यानी कि पोस्ट नेजल ड्रिप की कंडीशन हो, तब इस दवा का यूज़ किया जाता है। अच्छी बात यह है कि ये दवा भी इस कॉम्बिनेशन में मिलाई गई है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है काली बाइक्रोम। काली बाइक्रोम एक ऐसी मेडिसिन है जो कि डीप एक्ट करती है, डीप एक्ट करती है, और किन किन रोगों में, किन किन बीमारियों में इस्तेमाल की जा सकती है, तो बेसिकली ये क्रॉनिक साइनसाइटिस का केस में, पोस्ट नेजल ड्रिप के केस में, अस्थमा में, ब्रोंकाइटिस में,
एलर्जिक राइनाइटिस में, गले की तकलीफ़ों में, सांस संबंधित तकलीफ़ों में, तो विभिन्न प्रकार की तकलीफ़ों में इसका उपयोग किया जाता है। और ख़ास बात यह है कि इसका जो नेजल डिस्चार्ज है ये टफ होता है, मुश्किल से निकलने वाला होता है, लसलसा टाइप का होता है, गाढ़ा होता है, रेशे के रूप में निकलने वाला होता है। यानी कि जब भी आप अपनी नाक को ब्लो करते हैं तो ये धागे की तरह काफ़ी लंबा डिस्चार्ज इसका जाता है, विस्कोसिटी इसकी ज़्यादा होती है, चिपचिपाहट रहती है, लसलसापन इसमें रहता है। तो जो सारे इसके जो डिस्चार्ज है, जैसे कफ भी आपका निकलेगा तो उसी प्रकार का होगा। तो इस तरह के सिम्टम्स में ये काम करती है और ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे अच्छा वर्क करती है। काली वाइक्रोम R49 के अंदर ये मिली हुई है और ये इफेक्टिव बनाती है इस फार्मूले को। अगली मेडिसिन है इसमें दोस्तों पल्सेटिला। पल्सेटिला दी जाती है जब क्रोनिक साइनसाइटिस के केस में जुकाम पक गया हो, गाढ़ा हो गया हो, पीला या हल्के हरे रंग का म्यूकस नाक से निकलता हो और शाम के वक्त अक्सर पेशेंट की नाक बंद हो जाती है, पुराने जुकाम की तरह नाक से बदबू आती हो, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट भी साथ में होता हो। स्पेशली अगर आप लोगों को फ्रेश एयर बहुत अच्छी लगती है, इससे आपको आराम मिलता है, तब आपको पल्सेटिला का यूज़ करना चाहिए जो कि R49 के अंदर डली हुई है। आइए दोस्तों जानते हैं R49 की जो डोज है वो क्या होनी चाहिए। अगर आप लोगों को जो प्रॉब्लम है वो एक्यूट है, यानी कि अभी अभी शुरू हुई है, तो आप 1 से 2 घंटे के अंदर इसकी डोज ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये समस्या काफ़ी पुरानी है, क्रॉनिक है, इसके लिए 15 बूंदें 1/4 कप पानी में डालकर इसका सेवन किया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं हमारी दूसरी सबसे इफेक्टिव मेडिसिन की, और वो है साइनस गोल्ड ड्रॉप, जो कि एडवेन कंपनी इसको बनाती है। और ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है क्रॉनिक साइनसाइटिस के साथ साथ नाक में होने वाली ओवरग्रोथ, जैसे कि नेजल पॉलिप और DNS में के केस में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। बात करें इसके कंपोजिशन की, तो इसमें 5 मेडिसिन मिलाई गई है, जिसमें से एक थी काली वाइक्रोम, जिसका जिक्र हमने R49 के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी कर लिया है। बात करें अगली मेडिसिन की जो इसमें डली हुई है, वो है दोस्तों हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस। तो हाइड्रेस्टिस जो कैनाडेंसिस मेडिसिन है, इसका भी जो डिस्चार्ज होता है वो लगभग काली वाइक्रोम के डिस्चार्ज की तरह येलो, थिक, रॉपी और स्प्रिंजी होता है। तो साइनसाइटिस के केस में सरदर्द होने पर ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। नाक में बड़ी बड़ी पपड़ियाँ जम जाती हैं। ये दवा म्यूकस मेम्ब्रेन पर असर करती है और कमरे में अंदर रहने से जुकाम कम रहता है, खुले स्थान पर जाने से जुकाम बढ़ जाता है, नाक के अंदर घाव हो जाते हैं, पस का डिस्चार्ज होता है। इस तरह के लक्षण यदि पेशेंट को आ रहे हैं तो हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस एक मेन दवाई होती है, जो कि साइनस गोल्ड ड्रॉप कॉम्बिनेशन में मिली गई है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, वो है लेमना माइनर। इसका जो प्रभाव होता है ये भी नाक के म्यूकस मेम्ब्रेन पर होता है और इसकी नाक की दोस्तों विभिन्न प्रकार की समस्याएं और बीमारियों में इस दवा का प्रयोग लगातार होम्योपैथिक डॉक्टर्स द्वारा किया जाता रहा है। नाक की विभिन्न प्रकार की बीमारियां, जैसे कि नेजल पॉलिप है, एट्रोपिक राइनाइटिस है, सूंघने की क्षमता में कमी, नेजल ब्लॉक है, अस्थमा, सर्दी जुकाम, एलर्जी इत्यादि सभी बीमारियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और साइनस इन्फेक्शन के कारण जो टर्बिनेट्स है नाक के वो बढ़ने लगते हैं, उसमें भी इफेक्टिव रहती है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों ल्यूफा ओपर कुलाटा। तो ये दवा साइनसाइटिस के साथ होने वाले सिरदर्द के लिए बेसिकली प्रिस्क्राइब की जाती है। नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो एक्यूट और या क्रॉनिक उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन की या तो हाइपरट्रॉफी हो जाती है या फिर एट्रॉफी भी हो सकती है। तो ये नाक की ड्राइनेस को भी कंट्रोल करने का काम करती है। क्रॉनिक साइनसाइटिस के पुराने मरीज अक्सर बताते हैं कि उनकी नाक में अब ड्राइनेस रहने लगी है। दोस्तों ऐसा ज़्यादातर उन लोगों के साथ होता है जो नेजल स्प्रे का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। इसी के साथ ये दवा राइनोफेरिंजियल लेरिंजाइटिस, पुरुलेंट साइनसाइटिस, क्रॉनिक एट्रोपिक राइनाइटिस की कंडीशन में भी मददगार होती है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन जो इस कॉम्बिनेशन में मिलाई गई है, वह है मर्क्यूरियस सल्फ्यूरेटस रुईवर, जो कि सिनावेरिस के नाम से पॉपुलर है और इसे हमने R49 के कॉम्बिनेशन में हम देख चुके हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी साइनस गोल्ड ड्रॉप। इस दवा का जो डोज रहेगा 20-20 बूंद दिन में 3 बार 1/4 कप पानी के साथ। दोस्तों बात करें कि दोनों की कंपैरिजन की, कि R49 और साइनस गोल्ड ड्रॉप में से कौन सी दवा बेस्ट है, तो ये डिसाइड आप खुद करिए इस किस दवा के साथ आपके ज़्यादा से ज़्यादा लक्षण मैच हो रहे हैं। और इन दवाइयों का प्रयोग दोस्तों आप 2 से 3 महीने तक कर सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। दोस्तों यदि आप हमसे ऑनलाइन परामर्श लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें समस्याएं लिखकर मैसेज कर सकते हैं और एक परामर्श शुल्क देकर आप हमसे टेलीफोनिक कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।